आज के वीडियो में सीफॉप मेथड को यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मैं सीफॉप मेथड यूज करता हूँ, वन लुक ओएलएल एंड वन लुक पीएलएल भी यूज करता हूँ, बट फिर भी मेरा टाइम 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स या फिर 15 सेकंड से कम में नहीं आता। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सीफॉप मेथड यूज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ सीफॉप मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब एल्गोरिदम्स के साथ यूज कर रहे हैं। सीफॉप मेथड आप जब भी यूज करते हैं थोड़ा आपको दिमाग भी लड़ाना पड़ता है, एंड थोड़ा सा रिडक्शन मेथड हो गया, थोड़ा से फिंगर ट्रिक्स हो गए, ठीक है, ये सब चीजें मैटर करते हैं आपके टाइम को कम करने के लिए, ठीक है। जस्ट एल्गोरिदम वाइज अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी सब 15 या सब 10 नहीं बन पाएंगे। तो अभी मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको क्या क्या करना है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा जैसा मैं हर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, ये वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। काफी गर्मी है, एक सेकेंड। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप सीफॉप मेथड जेन्युइनली यूज करते हैं, ठीक है, क्यूब को सॉल्व करने, तो आपके क्यूब को 70 मूव से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 70 मूव से अंदर ही अंदर आपका क्यूब सॉल्विंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 67-68 मूव्स में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको 70 मूव से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आप कुछ सीफॉप मेथड में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड जितने चैंपियन स्पीड क्यूबर्स हैं उन लोग का तो 57-58 मूव्स में क्यूब कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी मैक्सिमम 70 से ज्यादा आपके मूव्स एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब मूव्स क्या होते हैं, चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल, ये R एक मूव है, U एक मूव है, UI एक मूव है, L एक मूव है, ठीक है, ये एक बार एक मूव है। तो अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मैं एक स्क्रैम्बल रैंडमली, पहले मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, रीलोड करता हूँ मैं एंड कोई नया स्क्रैम्बल सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, अब इसमें मैं क्यूब को पहले स्क्रैम्बल करूंगा, अब मैं यहां इसको 70 मूव से कम में सॉल्व करूंगा। आप भी मेरे साथ रहिए, देखिए पहले मैं स्क्रैम्बल चेंज कर देता हूं क्योंकि फिर एग्जांपल सॉल्व के लिए कहीं हम गलती से सेम स्क्रैम्बल ना सेलेक्ट कर ले। मैंने चेंज कर दिया, आप देखिए आपके सामने ही मैं हर चीज कर रहा हूं। अब आप काउंट करिए मूव्स, मैं खुद आपको काउंट कर बताऊंगा। देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. देखिए आपने देखा, जैसा मैंने कहा 68 मूव्स में मैंने क्यूब कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। अब सेम स्क्रैम्बल आप भी ट्राई कर सकते हैं अभी जो मैंने रिमूव करने से पहले, एंड आप भी ट्राई करके बताइए, कमेंट करके बताइए आपको कितने मूव्स लगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व तो हो गया मूव्स काउंट करने का, अब मैं यहां से ये स्क्रैम्बल कर लूंगा अपने क्यूब को। अब यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैं कैसे सॉल्व करता हूं, एक एग्जाम्पल सॉल्व किया जैसा, जिससे मेरा टाइम सब 10 आता है या सब 15 आता है। तो अब देखिए ये स्क्रैम्बल मैंने किया, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, पहले ये बहुत काम की चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ ब्लू एंड ऑरेंज का एक पेयर बना हुआ है। तो पहले मैं इसको ऑपोजिट साइड, ये ब्लू वाले को यहाँ ला लूंगा एंड इसको यहाँ इस तरीके से कर दूंगा तो एक पेयर बन जाएगा मेरा। एंड फिर यहाँ और बहुत अच्छा स्क्रैम्बल है, वेरी लकी स्क्रैम्बल है, यहाँ एफ करूंगा तो ये भी पेयर मेरा बन जाएगा ब्लू एंड रेड एंड वाइट का, ठीक है। अब जस्ट मैं अगर D2 करूंगा तो ये वाला पेयर सॉल्व हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करने में सिंपली इसको फ्लिप करके RURIFRIFIR करके फिर D2 कर दूंगा एंड मेरे दो पेयर्स आप देख सकते हैं सॉल्व हो गए, ठीक है। अब थर्ड पेयर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लकी हूँ मैं इस बार। तो पहले मैं इसको इस तरीके से यहाँ ला लेके R2 कर लूँगा जिससे मेरा ये एक पेयर बन जाए, एंड UI करके RUIR2, एंड इसके बाद फिर मैं इसको यहां लाके स्लेज हैमर, शायद इसको बोलते हैं स्लेज हैमर करूंगा जिससे मेरा ये पेयर काफी आसानी से हो जाएगा। एंड सिंपली फिर यहां मैं OLL करूंगा एंड PLL। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व, वैसे ये सॉल्व मैं बता दूं बहुत लकी था, इतना इजी होता नहीं है सॉल्व। फिर मैं रिलोड करता हूँ और एक एग्जांपल सॉल्व आपको बताता हूँ।
तो ये हमारा सेकंड सॉल्व है गाइस, सेकंड एग्जांपल सॉल्व है। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लू ग्रीन वाइट एंड ब्लू वाइट ऑपोजिट में, जो बहुत अच्छी बात है। सिंपली मैं इस तरीके से होल्ड करूँगा एंड एम करके एफ कर करके फिर अपने क्यू को इस पोजीशन में ले लूँगा। अब यहाँ मैं डी डी करूँगा बट ऑपोजिट में मुझे करना है, तो सिंपली एम टू यू टू एम टू करके मैं अपने क्रॉस को सॉल्व करूँगा। एंड यहाँ मैंने नोटिस कर लिया मेरा एक पेयर सॉल्व हो गया। एंड इसी के साथ मैंने ये भी नोटिस कर लिया, जैसा ये पेयर को मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा और एक पेयर इमीडिएटली मेरे पास रेडी रहेगा, ये देख सकते हैं आप। एंड मैं इमीडिएटली क्यूब को रोटेट करके इस पेयर को यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। एंड अब थर्ड पेयर सॉल्व करने की बारी है। एंड इस पेयर को मैं यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये स्लॉट खाली है, यहाँ से इसको मैं पेयर नहीं करूँगा बल्कि यू टू करके यहाँ से पेयर करूँगा इस तरीके से, ठीक है। फिर यू टू करके आर आई यू आर, जिससे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इसको बड़े आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकता। एंड ये तो बहुत आसान ओ एल एल केस है एंड पी एल एल। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्व था। तो चलिए और एक लास्ट एंड फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। मैं स्क्रैम्बल चेंज कर लेता हूँ। क्रॉस को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैं एल टू करूँगा, पहले इसको इस तरीके से पेयर करूँगा, ठीक है। फिर डी आई आर टू डी आर, कुछ इस तरीके से मैं करूँगा। आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। सेकेंड पेयर, फर्स्ट एफ ट्वेल्व का पेयर जो है, मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा ब्लू एंड ऑरेंज, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड से इंसर्ट करूँगा। सेकेंड पेयर आप देख सकते हैं ग्रीन एंड ऑरेंज, जो काफ़ी इजीली है इंसर्ट हो सकता है, यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। थर्ड पेयर मैं ब्लू एंड रेड का चूज करूँगा। फिर फोर्थ पेयर रेड एंड ग्रीन, ठीक है। फिर ओ एल एल एंड पी एल एल। तो ये आपने देखा, ये ऐसा केस है जिधर अगर ऐसा मेरे मुझे स्पीड सॉल्विंग में अगर ऐसा मुझे स्क्रैम्बल आता तो 10 या फिर 11 सेकंड्स मेरा टाइम आता। अगर फर्स्ट वाला टाइम आता तो ऐसा ही सॉल्व है जिधर मेरा 8 या 9 सेकंड टाइम आता है जो फर्स्ट मैंने सॉल्व किया था। तो गाइज ये थे एग्जाम्पल सॉल्व्स, आई होप आप लोगों को पसंद है। वीडियो एंड करने से पहले भी फिर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने सीफॉप मेथड अच्छे से सीख लिया, ठीक है, एंड आपके मूव 70 से भी कम में आ रहे हैं, तो एक तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब सिर्फ आपको दो चीजों पे हार्ड वर्क करना है। एक है टर्न्स पर सेकंड, दूसरा लुक अहेड पे। अब ये दो चीजों पे अगर आप जितना अच्छे से काम करेंगे उतने जल्दी आपके चांसेस है सब 15 या फिर सब 10 बनने के, ठीक है, क्योंकि आपके मूव 70 से कम हो गए एंड दूसरा फिर आपके टर्न्स पर सेकंड भी काफी अच्छे, तो आप बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ओ एल एल या पी एल एल का एल्गोरिदम है जिसको सॉल्व करने आपको 15 मूव्स 12 मूव्स पकड़ लिए, 12 मूव्स आपको लग रहा है, ठीक है। तो वो 12 मूव्स अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक सेकंड में करते हैं, अगर 12 मूव्स आप एक सेकंड में करते हैं तो 10 सेकंड्स में आप कितने मूव्स कर सकते हैं, 120, ठीक है। जबकि क्यूब सॉल्व करने मूव्स कितने लग रहे हैं मैक्सिमम सीफॉप से 70, तो जब आप 120 मूव्स 10 सेकंड्स में कर सकते हैं तो आप 70 मूव्स क्यों नहीं कर सकते 10 सेकंड। इसीलिए लुक अहेड काफी इंपॉर्टेंट है। जब एक बार आप क्यूब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं आपको रुकना नहीं है, एक के बाद आपको बगैर रुके सॉल्व करते चले जाना है जब तक क्यूब नहीं बन जाता। ऐसे ही आपका सब 15 या फिर सब 10 का सॉल्व आता है, मेरे भी ऐसे ही आए थे टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए लुक अहेड एंड टीपीएस पे जितना हो सके ध्यान दीजिए, वो तो मैंने सब 30 के पहले के वीडियोस में भी बताया एंड आगे हम इस टॉपिक पे भी वीडियोस करते रहेंगे, क्योंकि तीन एग्जांपल सॉल्व्स आपको पता है बस नहीं होते, तो हम आगे भी ऐसे ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में वो 5 सॉल्व्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इधर 5 सॉल्व में 70 मूव्स से अंदर 70 मूव्स से कम में सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको भी एक तसल्ली हो जाए कि हाँ ये सीफॉप मेथड्स काम करता है एंड 70 मूव से कम में क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।